तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। तो उसमें से फर्स्ट है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो व्हेन एरोमेटिक अमाइन, जैसे अपना हो गया एनिलीन हो गया, रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड इन प्रोड्यूस बेंजाइन अमाइड विद फॉर्मेशन ऑफ अमाइड लिंकेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। पहले एनिलीन है, ठीक है, तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, बेंजीन के ऊपर NH2 प्लस अपना क्या है अपना असाइल क्लोराइड है, और इसमें से क्या हो रहा है जो अपना Cl है और एक अपना हो गया एच। ठीक है, तो अपना HCl बना के अपना रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, देन रिमूव होगा क्या हो जाएगा, जो अपने दो कंपाउंड होंगे अपने वो जो अटैच हो जाएंगे, तो अपना क्या बना लेगा, बेंजाइल अमाइड बना लेगा। तो देखते हैं, जैसे अपना एलिनिन है, ठीक है, एलिन है इसका जो एच है अपना एक, और इसका जो Cl है, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे। ये HCl क्या हो जाएंगे अपने, रिमूव हो जाएंगे। देन ये जो फर्दर ये जो कंपाउंड बचेंगे, ये दोनों अटैच होकर अपना बेंजाइल अमाइड बना लेंगे। तो सेकेंड अपने पास फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। तो व्हेन एरोमेटिक अमाइन, जैसे हो गया एलिन हो गया, ट्रीटेड विद HCl, इट प्रोड्यूस बेंजीन अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम बोल सकते हैं अमोनियम साल्ट भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एलिन है वो प्लस HCl के साथ रिएक्ट करके अपना बना लेगा बेंजीन अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, जिसे हम अमाइन साल्ट भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, NH3 अपना ये हो गया, जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुए NH3 बना लेगा। ठीक है, तो NH3 के ऊपर पॉजिटिव शो कर देगा और HCl अपना नेगेटिव में शो कर देगा। तो अपने पास थर्ड है, तो थर्ड अपने पास क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एरोमेटिक अमाइंस है, ठीक है, जैसे एलिन हो गया, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट प्रोड्यूस कार्बाइल अमाइन। तो क्या है, एलिन है, ठीक है, एलिन क्या करेगा, जो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, KOH अपना क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो क्या बना लेगा अपने पास, क्या प्रोडक्ट बना लेगा, कार्बाइल अमाइंस बना लेगा। तो कैसे बनाएगा देखते हैं, जो NH2 है, ठीक है, NH2 जो CH है इससे अटैच हो जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, N के ऊपर पॉजिटिव और C के ऊपर नेगेटिव, तो जो Cl3 है ये रिमूव हो जाएगा। तो अपने पास फोर्थ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बस। तो देन ये करना है, जो एरोमेटिक अमाइंस होंगे, ठीक है, अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन। तो क्या जो एनलीन है, ठीक है, जो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब क्या करना है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन को यहाँ ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करने पर क्या होगा, जो एन जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके रिप्लेस हो जाएंगे, जो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो NH2 बना लेगा, तो NH2 कौन सा हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया।